বুঝেই তিনটি কন্টেনর জবত কলা তৈতারি পুলিশ। এই দৃশ্যটি আপনার বিচলিত করে পারে। এই দুঃখদ দৃশ্যটি দেখিবাকু মিলিছে পড়াবিল স্থিত বৈতরণী কোশলকু আসিথিবা এক কন্টেনর ভিতরে। প্রাপ্ত সূচনা মোতাবক গতকালি তৈতারি পুলিশ পাঁচটি কন্টেনরে রাজ্য বাহারকু গো চোরাচালাণ হেউথিবা এক বিশ্বস্ত সূত্ররু জানিবাকু পাইথিলে। सूचना पाई तैतारी थाना आईआईसी को नेतृत्व में पुलिस टीम उक्त स्थान को पहुंची कंटेनर गुड़ी को पीछा करथिले। पुलिस को देखी कंटेनर गुड़ी को द्रुत गति रे खसी जाउथे बेले तांको पीछा करथिबा तैतारी थाना आईआईसी अल्प के बर्ती जाइथिबा जणा पड़िछि। निज जीवन को पाछी लगाई पुलिस टीम तीनोटी कंटेनर जबत करथिबा बेले अभियुक्त तस्कर एवं अन्य कंटेनर गुड़ी को खसी जिबा को सक्षम होइथिले। जबत तीन कंटेनर मधुरु पुलिस कोटिए कंटेनर करंजिया स्थित गोधाम शाला एवं दुईट कंटेनर बड़पिल स्थित बैतरणी गोशाला को आनी उक्त कंटेनर भितर दृश्य थिला अति दयनीय। भितर थिबा गोरुगुड़िकर गोड़ लांज मुह बंधा जाइथिबा बेले तीन रु चार दिन खाइबाकु मध्य दिया जाइ नथिबारु प्राय 15 रु ऊर्ध गोरु मरी पड़िथिबा देखा जाइथिला। किछि गोरुंकर अवस्था संकटपन्न रहिथिबा जणापड़िछि। सुनंतु उद्धारकारी को सेवकक दरद भरा प्रतिक्रिया। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मुरारीनंदन गुप्ता है। अरे ये जो दो कंटेनर में गाय सब आए थे इधर, कैसे कंडीशन था, आप लोग उसको कैसे ट्रीटमेंट की? गाय का कंडीशन तो मतलब आपको बता नहीं सकते हैं, बस ये समझिए कि हम लोग का हृदय बताता है कि कल गाय क्या कंडीशन में था। हम लोग अंदर से रोना आ रहा था, हम लोग मतलब इतना अंदर से हम लोग मतलब हम लोग अपना फीलिंग्स को आपको बता नहीं सकते। गाय का इतना बुरा कंडीशन था, हम लोग जैसे ही पहले कंटेनर में घुसे तो आगे मतलब कॉर्नर पे एक दो गाय तो हम लोग देखे कि जिसका डेथ ऑलरेडी हो चुका था। और उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो हमारे जितने सहयोगी सब हम लोग सब मिल के रात भर गाय को खाली किए, उसमें से लगभग 10-15 के गाय के आसपास उसमें ऑलरेडी उसका डेथ हो चुका था। और इसमें और क्या बोलेंगे आपको, इससे आगे हम लोग कुछ नहीं मतलब कुछ बोलने की स्थिति में हम लोग है नहीं अभी जो सिचुएशन है। क्या आपका परिचय बताइए? मेरा नाम अजीत कुमार। तो ये जो आप लोग कंटेनर से गाय से उतारे, कैसे क्या हालत था गाय सबका? पहले तो कंटेनर में देखे तो हम लोग का बहुत स्थिति खराब था। दोनों कंटेनर लेकर 98 गाय थी, उसमें से करीब खोलने के बाद 10 गो डेट थी। उसके बाद सुबह होते होते हुए मतलब हम लोग का 15 गो डेट कर गई। उसके बाद मतलब सुबह में भी हम लोग जितने भी स्टाफ हैं एक गौशाला में टोटल 20 स्टाफ हैं, टोटल मिल के करीब 11 बजे रात तक हम लोग मेहनत करके निकाले हैं नीचे। उसके बाद जो भी था दाना पानी वो भी सब मेरा स्टाफ लोग भी दिए। तो गाय सब का क्या कंडीशन, कैसा बांधा हुआ था, कैसे? गाय सब का तो बहुत कंडीशन खराब था, हम लोग का देख के और मेरा स्टाफ को भी देख के मतलब आग से आंसू आ रहा था, इस तरह से बना हुआ था। मुझे बताइए। मेरा नाम विकास साबू है और मैं बैतरणी श्री बैतरणी गौशाला सेवा आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जो दो कंटेनर में गाय आए थे अभी अनलोड हुआ है, क्या कहानी क्या है? एक कल शाम को 4 बजे हमें प्रशासन द्वारा सूचना मिली, पुलिस प्रशासन द्वारा, कि ऐसे ऐसी गाय हम लोगों ने पकड़ी है और जो टोटल 6 गाड़ियाँ थी उसमें से तीन गाड़ियाँ जो है वो बड़बिल, दो गाड़ी बड़बिल लाना चाहते, एक गाड़ी उन्होंने वहाँ करंजिया भेजी है और कंडीशन गायों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप हमें इसको गाय को व्यवस्था करने में आप सहयोग कीजिए। तो हम लोगों ने गाय का मामला था तो हमारी गौशाला उसी वजह से है तो हमने सहमति दे दी। तो फिर अभी क्या स्टेटस क्या है गांव? स्टेटस गाय की इतनी खराब कंडीशन खराब थी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में गाय आई हैं, हमारे प्रेसिडेंट वगैरह या फिर हमारे गौशाला से संबंधित जितने भी लोग थे वो कंटेनर में चढ़ करके खुद रात भर, और हमारे जितने भी गौसेवक हैं यहाँ पर और जो गौशाला में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, सारे लोगों ने अपना रात दिन माने पूरा रात लगा करके गायों को अनलोड किया। 100 से ज़्यादा गायें थी और जिसमें 40 के आसपास वो उनकी पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, जिनको नीचे ज़मीन में रख करके उनको फिर उपचार वगैरह किया गया। जितनी गायें थी ठीक ठाक थी उनको थोड़ा अलग किया गया और ऐसे ही उतारने और ये सब में उतारने से पहले ही पता लग गया था कि कई गाय इसमें मौत की शिकार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा कंडीशन है गाय की। गाय को इन्होंने कोई 3-4 दिनों तक खाना नहीं दिया था
और जिसके कारण से गाय का गोबर भी नहीं उतर निकल रहा था, मतलब भूखा रखा गया था ताकि गोबर ना हो। और कंडीशन बहुत है, मुंह बांध के रखे हुए थे, लटका के रखे थे, मैंने विभत्स कंडीशन थी। क्रिटिकल तो ऐसा कि मत पूछिए आप, आंखों में देख, जिन्होंने देखा वो रोया है और कुछ नहीं किया, रो रो रहा था बस। रोते रोते सभी हमारे गौसेवकों ने जो भी काम किया है। अब गौशाला के तरफ से क्या डिमांड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को? हम यही डिमांड करेंगे कि ये गौकसी का जो कानून है इसको थोड़ा उड़ीसा में कम से कम, अगर सेंटर कुछ करती है तो पता नहीं, हम उम्मीद तो काफ़ी किए हुए हैं कि सेंटर इसमें कुछ ले, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि गौकशी का कानून जो है वो थोड़ा और स्ट्रिंजेंट किया जाए, थोड़ा कड़ा किया जाए। ओडिशा रे गो सुरक्षा आईन रहितले मध्य गो तस्कर भिन्न भिन्न उपाय रे ओडिशा रो हजार हजार संख्या रे गोरो कुड़ी को अति नृशंस भावे ट्रक रे बांधी राज्य बाहर को चोरचालाण करछन्ति। वर्तमान केन्दुझर जिला रो प्राय 3 कंटेनर रे अति अमानुषिक भाव रे गोरु गुड़ी को बोझे करे राज्य बाहर को चोराचालाण होतिबा सुनिबा को मिलिछि। पुलिस एहि मामला को गंभीरता सह अनुसंधान करबा सह सरकार राज्य रे गो सुरक्षा आईन को कड़ाकड़ी लागू करबा पई जनसाधारण रे दाबी होइछि। करंजिया रो सुमंत पात्र को सह केन्द्रीय जिला बड़पिन रो खलनंद शर्मा को रिपोर्ट ब्लैकेट न्यूज ओडिसा।